दोस्तों आपका स्वागत है मेरे चैनल लर्निंग टाइम में। आज हम बात करेंगे हमारी जो वैकेंसी है हिमाचल प्रदेश से निकली है जो कि PWD यानी पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट से है, तो इसके लिए आप किस तरीके से अप्लाई कर पाएंगे, नंबर ऑफ वैकेंसी क्या है, क्या आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहेगा और ऑफलाइन फॉर्म फिलअप के बारे में करेंगे। तो आपको कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में देखने को मिलेगी। अगर आपको यह वीडियो या इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस आपसे निवेदन है जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आप लोगों के लिए डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट लेकर आता रहे। फ्रेंड, ऐसी गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के लिए हमारे चैनल पर है सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन, आपके 6 नोटिफिकेशन जारी किए गए हैं, ठीक है, अलग अलग डेट पर हैं। तो सबसे पहले मैं स्टार्टिंग के 3 और लास्ट के 3 इनके 2 पार्ट में वीडियो बनाऊंगा, ठीक है, जिससे कि बहुत बड़ा वीडियो ना बन जाए हमारा। सब आपके 6 नोटिफिकेशन है तो मैं अलग अलग डिटेल आपकी जितनी कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को डिटेल में देकर वीडियो बना सकूँ। वीडियो इन्फॉर्मेशन अच्छी लगती है तो प्लीज़ गाइस हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें लर्निंग टाइम को। तो मैं सबसे पहले इस नोटिफिकेशन को ओपन करता हूँ जो देख सकते हैं रिक्रूटमेंट मल्टीटास्किंग ऑफिसर आपका 4 सर्किल से मिला है, ठीक है। तो इस नोटिफिकेशन की हम तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 पेज का नोटिफिकेशन है। यहाँ पे देख सकते हैं एप्लीकेशन आर इनवाइट फॉर्म एलिजिबल एप्लीकेशन एज पर द रिक्रूटमेंट स्कीम नोटिफिकेशन प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ HP, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी है आपको उसके बारे में देखने को मिल जाएगा। डिवीजन जो अंडर द फॉलोइंग डिवीजन प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म पोस्ट आपकी मल्टीटास्किंग वर्कर लोक निर्माण, यहाँ पे आइदर हिंदी या इंग्लिश में आपको पढ़ सकते हैं। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी रिलेवेंट सॉफ्ट आपके डॉक्यूमेंट के साथ टर्म और कंडीशन साथ एप्लीकेशन पहुँचनी चाहिए ऑफिस, यहाँ पे दे देते हैं इन HP PWD में, ठीक है, 9/6/2022 तक 5 बजे तक, ठीक है। इसके बाद आती है आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपने एप्लीकेशन फॉर्म शैल बी पेएबल एप्लीकेशन अपीयरिंग स्किल और फिजिकल टेस्ट के लिए, ठीक है, आपको अपीयर होना पड़ेगा। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिमिलर डिवीजन, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये दिए रखा डिवीजन 33 पोस्ट हैं यहाँ पे, नंबर ऑफ पोस्ट यहाँ पे, नेम ऑफ सब डिवीजन वेयर MWD MTW NLN असिस्टेंट आपका इंजीनियर शिमला सब डिवीजन, ये आपको शिमला 7 वैकेंसी हैं। और यहाँ पे देख सकते हैं दिल्ली में दिल्ली, ठीक है, जो आपके असिस्टेंट इंजीनियर मासबोरा कार है, असिस्टेंट इंजीनियर जुनगा सब डिवीजन यहाँ पे HP यहाँ पे 13, असिस्टेंट इंजीनियर का आपके कसुपुत्ती आपका सब डिवीजन 1। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो वैकेंसी शिमला डिवीजन रूरल डिवीजन में है 79, ये आपकी पोस्ट के बारे में दे रखा है, ठीक है, इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ। 74 है यहाँ पे थेओब में डिवीजन में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर में, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 2 पोस्ट के बारे में दे रखा है। 160 पोस्ट है यहाँ पे आप देख सकते हैं इनके डिवीजन में यहाँ पे आपको बता रखा है, तो जिस तरीके से यहाँ पे आप दे सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करें, यहाँ पे मल्टी टास्किंग जो भारतीय नागरिक हो और बोनीफाइड आपका हिमाचली प्रदेश हो, ऑफ साउंड माइंड, नो फैमिली मेंबर ऑफ कैंडिडेट विल बी एनी काइंड ऑफ गवर्नमेंट PSU में होना चाहिए, ठीक है, हैव नेवर बीन इन्वॉल्व एनी एक्ट ऑफ क्रिमिनल के आप नेचुरल, आपको मेडिकली फिट होना चाहिए, पैटर्न मैनुअल वर्क के लिए, परमानेंट रेसिडेंट होना चाहिए विलेज और ग्राम पंचायत का अर्बन लोकल बॉडी का, ठीक है। तो ये सब यहाँ पे आपको क्राइटेरिया दे रखा है जो जरूरी है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन द कैंडिडेट शुड हैव मिनिमम क्वालिफिकेशन आपका मिड पास 8वीं क्लास फ्रॉम स्कूल इंस्टीट्यूट विद इन द हिमाचल प्रदेश, आपने 8वीं क्लास पास की हिमाचल प्रदेश से, द कंडीशन पासिंग ऑफ 8वीं फ्रॉम हिमाचल जो नॉट बी एप्लीकेबल फॉर बोनीफाइड हिमाचली के लिए, ठीक है, तो जो हिमाचल प्रदेश के उनके लिए यहाँ पे लागू नहीं होगा। नॉलेज ऑफ कस्टम मैनर्स एंड आपका डायलैक्ट हिमाचल प्रदेश, ये जो क्राइटेरिया द कैंडिडेट सेल बी बिटवीन 18 से 45 होना चाहिए आयु, यहाँ पे अप्लाई को आपको अपॉइंटमेंट मल्टी टास्किंग वर्कर लोक निर्माण ऑन द फॉर्मेट प्रिस्क्राइब अटैच आपको हेयर बाई अलॉन्ग विद सेल्फ आपका जो अटेस्टेड फोटो कॉपी सर्टिफिकेट कंसर्न एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिवीजन वो विल कंपाइल द एप्लीकेशन रिसीव ऑन बिफोर प्रिस्क्राइब लास्ट डेट, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट दे सकते हैं आधार कार्ड सर्टिफाई आपका एज के लिए, जिसमें आप दे सकते हैं आपका म्यूनसिपल पंचायत या मिडिल क्लास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है, सर्टिफाई हिमाचली बोनीफाइड, ठीक है, जो कि तहसीलदार नवी आपका नायब तहसीलदार सर्टिफाई इफेक्टेड नो फैमिली मेंबर कैंडिडेट गवर्नमेंट में होना चाहिए। सोशल कैटेगरी यहाँ पे आप दे सकते हैं,
यहाँ पे आपका 8वीं क्लास पास होना चाहिए, मार्कशीट सर्टिफिकेट है तो ये भी ठीक है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात करें तो यहाँ पे देयर सिलेक्शन शैल बी जज सूटेबल कैंडिडेट प्योर ऑन मेरिट, चेयरमैन और मेंबर सेक्रेटरी कमेटी विल बी कंप्लीट रिकॉर्ड सिलेक्शन प्रोसीजर। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर डिमांड डिवीजन कंसर्ट चेयरमैन, असिस्टेंट इंजीनियर डिवीजन कंसर्ट मेंबर, सुपरिटेंडेंट आपका ग्रेड टू आपका मेंबर सेक्रेटरी ठीक है। द सिलेक्शन विल बी प्योर आपका प्योरली आपका आपका पर्टिकुलर सब डिवीजन डिवीजन के सर्कल में ओनली। द इन द सिलेक्शन प्रोसेस मार्क आपका सेल बी अवॉर्डेड कैंडिडेट आउट ऑफ 10। एकेडमिक मार्क परसेंटेज ऑफ मार्क ऑब्टेन मिडिल क्लास कैलकुलेट ऑफ 5 मार्क, फॉर एग्जाम्पल गेटिंग 50% मार्क ऑन मिडिल क्लास एग्जामिनेशन विल बी गिवन 2.5। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 50 के हैं तो 2.5 ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आपके एक मार्क रहेंगे। और यहाँ पे आपको देख सकते हैं पूरे आपके 100 मार्क अगर 100% होते तो आपको यहाँ पे 5 मार्क मिल जाएंगे। बिलोंग टू एस सी एस टी हैं तो ऑन फैमिली प्रोडक्शन सबमिशन सर्टिफिकेट प्रिस्क्राइब गवर्नमेंट यहाँ पे आपके 1 मार्क, बिलोंग टू बी पी एल 2 मार्क, फिजिकल टेस्ट आपको 2, टोटल मार्क 10 रहेंगे ठीक है। लीव आपका एंटाइटमेंट दे सकते हैं, इसके बारे में आपको दे रखा है। राइट टू क्लेम आपका रेगुलर एम्प्लॉयमेंट, दे आर कैंडिडेट मल्टी टास्किंग विल हैव नो राइट टू क्लेम रेगुलर एम्प्लॉय नहीं है ठीक है ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट। टर्म और कंडीशन दे सकते हैं यहाँ पे आपका दे सकते हैं 4,500 रुपये रहेगा पर मंथ। रोल ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में दे रखा है, लास्ट डेट आप यहाँ पे दे सकते हैं 9/6/2022 तक यहाँ पे आपको भरकर भेजना है ठीक है। नीचे दिए गए आपको देखिए फॉर्म देखने को मिल जाएगा, इस फॉर्म को फिल करना है। ये फॉर्म है, नाम है, फादर नेम, आधार और मेल फीमेल एड्रेस यहाँ पे आपको जानकारी देनी है, एज इस तरीके से, नेशनलिटी कैटेगरी एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे ठीक है, नेम एग्जामिनेशन का नाम जैसे हाई स्कूल की 8वीं क्लास की है जो भी है वो, टोटल मार्क मार्क ऑब्टेन परसेंटेज। यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में है तो उसका आप बताना है, यस है नाम, ऑफिस का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, सर्टिफाई हिमाचली बोनिफाइड यस करना है, अगर यस ठीक है तो ये अथॉरिटी है, वीपीएल है तो यस, एंड आपका देख सकते हैं सर्टिफाइड अनएम्प्लॉयमेंट यस यहाँ पे कर सकते हैं, अगर नहीं है तो नो। वेदर आप एप्लीकेशन हैज बीन एवर आपका पनिश्ड बाई कोर्ट यहाँ पे नो रहने दीजिएगा ठीक है। इफ़ यू गिव यस करते तो डिटेल देनी, वेदर ये कैनी क्रिमिनल आपके नो कर दीजिएगा, अगर यस करते डिटेल यहाँ पे डिक्लेरेशन आ रहा है तो उस तरीके से करना है, प्लेस डेट और सिग्नेचर और मोबाइल का नाम यहाँ पे आपको करना है ठीक है। इसके बाद फ्रेंड यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं दूसरे पे करता हूँ सर्किल मंडी के लिए, तो यहाँ पे हमारा ये नोटिफिकेशन है तो मैं आपको दिखाता हूँ ठीक है। सेम यहाँ पे आपको उस तरीके से पढ़ लेंगे, एप्लीकेशन आर एलिजिबल टू एप्लीकेशन एज पर द आपका जो है पर्सनल प्रिंसिपल सेक्रेटरी गवर्नमेंट और एचपी यहाँ पे आपको दे रखा है ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपके जो मंडी टू आपका सुंदर नगर आपको यहाँ पे वैकेंसी आप 57/84, गोहर की 84, सहराज की 151, करसोक की 117, यहाँ पे आपके देखते हैं नरचौक की और थालोट की 95, तो 654 वैकेंसियाँ हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं जो कि नेम ऑफ सब डिवीजन पे दे रखा है। नंबर ऑफ पोस्ट रिक्रूटमेंट यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगी ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं आपका भारतीय नागरिक जी सेम आपका बॉनिफाई है आपका हिमाचल का होना चाहिए, ये सब आपका सेम रहेगा ठीक है। जो कि मैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 8वीं पास होना चाहिए ये भी सेम ही है, 18 से 45 होना चाहिए एप्लीकेशन। द कैंडिडेट आपको देख सकते हैं अपन मल्टी टास्किंग वर्कर लोक निर्माण एक्सपर्ट द प्रिस्क्राइब अटैच हेयर अलॉन्ग विद सेल्फ आपका अटेस्टेड फोटो कॉपी आपके रहेंगे ठीक है। ये भी सेम उसी तरीके से ही है, यहाँ पर आपका कोई भी चेंज नहीं है ठीक है। यहाँ पे आपकी एज के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे सर्टिफिकेट आपका एज का बर्थ सर्टिफिकेट म्यूनसिपल पंचायत का रहेगा ठीक है। बाकी आपका यहाँ पे सब कुछ सेम ही है ठीक है। आपका 8वीं क्लास दे रखा है, बीपीएल सर्टिफिकेट है। सिलेक्शन प्रोसीजर की आते हैं, आपका सिलेक्शन भी सर बी जज सूटेबल कैंडिडेट प्योरली मेरिट बेस पर रहेगा, चेयरमैन मेंबर सेक्रेटरी यहाँ पे आप देखते हैं। सिलेक्शन भी कमेटी जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर की कंसर्न बाई डिवीजन चेयरमैन और असिस्टेंट इंजीनियर की आपकी डिवीजन कंसर्न बाई मेंबर, सुपरिटेंडेंट ग्रेड टू की यहाँ पे मेंबर सेक्रेटरी यहाँ पे देखते हैं। एकेडमिक के 5 मार्क रहेंगे सेम इसी तरीके से ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं एस सी एस के यहाँ पे 1 मार्क रहेगा, बीपीएल के 2 और यहाँ पे फिजिकल के रहेंगे 2 और टोटल 10 रहेंगे। तो यहाँ पे जैसे लिविंग के बारे में आपको दे रखा है, राइट टू आपका रेगुलर सेम इसी तरीके से है। बाकी आपका फॉर्म फिलअप भी वैसे ही रहेगा जैसे कि अभी मैंने आप लोगों को बताया था ठीक है। सिर्फ यहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी हम देख लेंगे कौन सी है ठीक है। अब फ्रेंड हमारा जो तीसरी वैकेंसी है उसके बारे में बात करते हैं जो कि मैंने आप लोगों को दिखा देता हूँ।
यहाँ पे जोगिंदर नगर सर्किल की है, ठीक है। तो मैं इस पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, पे आप देख सकते हैं सेम आपका उसी तरीके से है, यहाँ पे आप तो देख सकते हैं चेंज हो जाएगा। यहाँ पे आपको जो फॉर्म को हिंदी और अंग्रेजी में सेल्फ अटेस्टेड कॉपी के साथ आपको भेजना है, ठीक है। यहाँ पे जोगिंदर नगर यहाँ पे आपको देखने मिल जाएगा, HP PWD डिवीजन जोगिंदर नगर, 38 वैकेंसियाँ हैं। यहाँ पे नेम ऑफ सब डिवीजन ऑवियर MTWLN, नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे आप देख सकते हैं, HPW डिवीजन बैजनाथ 32 है, ठीक है। यहाँ पे 10-20 उभार है, HPW यहाँ पे मंडी नंबर आप यहाँ पे देख सकते हैं आपकी वैकेंसी है 44, यहाँ पे आप वैकेंसी देखने मिल जाएगी। सेम यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी देखने मिल जाएगी, भारतीय नागरिक बोनीफाइड हिमाचल प्रदेश ऑफ साउंड, बाकी सब सेम। एजुकेशन क्वालिफिकेशन सेम, आपका 8वीं पास होना चाहिए। नॉलेज कस्टम मैनेजर सॉरी मैनर ऑफ डायलैक्ट हिमाचल प्रदेश, एज यहाँ पे 18 से 45 दे रखी, सेम रखा गया है। आधार कार्ड सर्टिफिकेट सब सेम दे रखा है, जो कि मैंने स्टार्टिंग में बताया था। नंबर भी यहाँ पे सेम ही है, 10 नंबर का रहेगा, ठीक है, सेम क्राइटेरिया है। मल्टीटास्किंग आपका रहेगा, वी हैव नो क्लेम टू राइट रेगुलर एम्प्लॉय, बाकी सारी डिटेल सेम है, ठीक है। यहाँ पे आप नौ आपकी जो है आपका देखने मिल जाएगा। तो फ्रेंड यहाँ पे आपको लास्ट डेट देखने को मिल जाएगी 31/5/2022 है, ठीक है। और यहाँ पे आपको पूरी डिटेल है, नीचे में दिखा देता हूँ। तो आपका जो ऑफलाइन फॉर्म फिलअप है, इसको फॉर्म को फिल करके भेजना होगा। यहाँ पे आपका देखिए नेम ऑफ डिवीजन सब डिवीजन अंडर विच अप्लाई, यहाँ पे आपको बताना है नेम, फादर हस्बैंड का नाम, फोटो, आधार, मेल फीमेल है, एड्रेस, एज यहाँ पे क्या है आपको 31/5/2022 के अनुसार, ठीक है। 35 एज ग्रुप यहाँ पे बताना है, नेशनलिटी कैटेगरी, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बताएंगे। यहाँ पे देखिए एम्प्लॉयमेंट रजिस्ट्रेशन है, तो यहाँ पे यस करेंगे तो पूरी डिटेल देनी होगी। यहाँ पे आपके जो सर्टिफिकेट है उनके बारे में जानकारी देनी है, ठीक है। यहाँ पे उनकी डिटेल है, तैयारी है, आपको मैं बता ही चुका हूँ। उसी तरीके से आपको फॉर्म फिल करके भेजना होगा, ठीक है। तो फ्रेंड ये थी आपकी जानकारी, आपको जो है हिमाचल प्रदेश PWD में निकली थी वैकेंसी के बारे में, अन्य 3 भी हैं, मैं एक करके आप लोगों को पूरी जानकारी दे दूंगा, ठीक है। तो ये देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ किस तरीके से आपको अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए जाएंगे रिक्रूटमेंट पर, टैब पर क्लिक करेंगे, रिक्रूटमेंट टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको जो वैकेंसी देखने को मिल जाएगी, ये आपका एडवर्टाइजमेंट आ गया, इनको डाउनलोड कर सकते हैं और अप्लाई कर सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन हेल्पफुल रही हो। डेली गवर्नमेंट जॉब की जानकारी अपडेट के मैं चैनल है, वीडियो देखेंगे।